नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये मेरे एक वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है और हमने आज का जो एग्जांपल है वो मिस्टर सलूजा हैं, और मिस्टर सलूजा ने जो वेज मुझे भेजा है वो हमने अपने कैलकुलेटर में डाल लिया है। ये हमारा कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में हमने उसी प्रकार से जो ईपीएफओ कैलकुलेटर है सेम उसी को अपने हिसाब से डिजाइन किया है। और अपने हिसाब से डिजाइन करने के बाद में इसमें क्या है कि ईपीएफओ का कैलकुलेटर 4-5 पेज में है, आपने देखा होगा 4-5 पेज में वो रिजल्ट आते हैं, फिर उन्हें जोड़ने पड़ता है तब जाके निकलता है। मेरा एक ही सीट में सब निकल जाता है। तो ये टेबल वन में, इस टेबल वन में हमने सारे डाटा डाल लिया है। अब हम इसके एंड में चलते हैं और ये टेबल वन का एंड है, और टेबल वन के एंड में जब हम जाएंगे तो आपको ये टोटल सैलरी है जो इनको मिली है और 6,22,679, ये इनका 8.33% अमाउंट है, 298 रुपीस। इसका मतलब इनका जो रिटायरमेंट है वो सितंबर 2014 है, ठीक है जी। और 1,15,055 रुपए इनके जमा हुए हैं, 5,07,922 रुपीज इनको जमा करने हैं, और ये इनका प्रिंसिपल अमाउंट है, और इनको विद इंटरेस्ट मार्च 2024 तक 18,12,622 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये हमने टेबल टू में, इनकी नंबर एक इसकी समरी दे दी है, जिससे जब वो समझने का प्रयास करें इसे तो इसे समझ पाए। अब हम चलते हैं नीचे। टेबल थ्री में हमने इनके जो पैसे की वैल्यू है, जो ईपीएफओ में इनका पैसा जमा है, ये ईपीएफओ में इनका पैसा ये जमा हुआ है, इस पैसे की वैल्यू क्या है विद सेम इंटरेस्ट जो ईपीएफओ ने आज तक हमें दिया है, ये हम वो कैलकुलेट करेंगे। और टेबल फोर, इसमें हम एवरेज निकालेंगे, इसमें जो एवरेज है वो 60 मंथ का, 12 मंथ का, और प्रेजेंट पेंशन के लिए 60 मंथ का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इनको नीचे, इन टेबल के एंड पे। पहले हम एवरेज के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी एक ईपी, एक वो आपने देखा होगा एक मार्क वो है पीपीओ, जिसमें सम 54 महीने और 6 महीने को अलग अलग करके एवरेज निकाला गया है। मेरे हिसाब से वो गलत है, जो ईपीएफओ का सर्कुलर है 14 जून 2023 का, उसके हिसाब से वो गलत है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। और हमने जो रिटायरमेंट डेट से पिछले 60 महीने जैसा सर्कुलर कहता है उसी प्रकार से लिया है, हमने वो 54 महीने और 6 महीने के हिसाब से नहीं लिया है। तो इसलिए जिस डेट को आप रिटायर होना है प्रीसीडिंग टू दैट 60 मंथ लेना है आपको, और ये हमने इनकी प्रीसीडिंग लिया है उसके। तो ये और क्या करते हैं, जैसे सितंबर में आपका रिटायरमेंट है, इनका 15 सितंबर को रिटायरमेंट है, तो उसके पिछले महीने से 60 महीने लेंगे, यानी अगस्त से 60 महीने लेंगे, तो इनका अगस्त से 60 महीने लेने का पूरा पिछला एवरेज। चूंकि अब आप देखिए इनका 12 महीने एवरेज लिया जाता यदि इनका रिटायरमेंट उससे पहले होता और इन्होंने ऑप्शन भरा होता, लेकिन फिर ये पेंशन के भी, हायर पेंशन के लिए भी एंटाइटल शायद नहीं होते, 15 दिन की वजह से ये हायर पेंशन के भी एंटाइटल हुए हैं। तो इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो आता है 62,082, और जो प्रो रेटा बेसिस पे 12 महीने का एवरेज है वो आता है 77,938, और चूंकि उससे पहले है इसलिए 6500, अगस्त से पहले है इसलिए 6500 ही इनका प्रेजेंट पेंशन के लिए एवरेज आएगा। अब हम चलते हैं टेबल थ्री की तरफ, इनके पैसे की वैल्यू क्या है नीचे से, फिर हम रिकवरी बाद में देखेंगे। इनके पैसे की जो वैल्यू है वो है, देखिए 6,01,532 रुपए, और 6,01,532 रुपए विद उस सब इंटरेस्ट के साथ है जो इंटरेस्ट ईपीएफओ ने हमें आज तक दिया है या दे रहा है अभी, उसी प्रकार से उसी इंटरेस्ट के साथ है। और ये हमने इनकी पेंशन कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है,
इनके भी पैसे की रिकवरी 275 महीने तक भी नहीं होती है, क्योंकि इनकी पेंशन 2494 है और पेंशन 2494 है और इंटरेस्ट इससे ज्यादा बन रहा है, कहीं 7% इंटरेस्ट इनसे ज्यादा बन रहा है। इस पैसे की वैल्यू की, इस पैसे की भी रिकवरी नहीं होती। आपको यह बताना पड़ेगा, मैंने पहले वीडियो में बताया ईपीएफओ को यह चाहिए कि ईपीएफओ पहले ईपीएस को ऐसा डिजाइन करे कि हमारी इसकी रिकवरी हो जाए, तो इस तरह इनकी रिकवरी नहीं होती। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। पेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वही डेट्स देखेंगे, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1956 है, 16 सितंबर 1956, 1 मार्च 77 को आपने ज्वाइन किया था और 18.72 ईयर्स इनके एफपीएस में सर्विस हुई है। इनका 135 रुपए कंपनसेशन होगा, लेकिन 135 रुपए कंपनसेशन और इनकी जो 18 साल सर्विस है तो उसका फैक्टर आता है 4.152 19 साल के लिए। अब आप देखिए कि इनकी पेंशन बनती है 561 रुपए, जबकि इन्होंने कितनी सर्विस की है वहां 79 यानी 16 साल सर्विस की है, ये 18 साल सर्विस की है इन्होंने 77 18 साल सर्विस करने के बाद एफपीएस में इनका कंपनसेशन बन रहा था 561। और इससे पहले एग्जांपल में जब हमने कंपनसेशन देखा तो उनका बन रहा था 750 रुपए, जबकि उन्होंने मात्र 3 साल सर्विस की है। तो ये लकुना है ईपीएस स्कीम के अंदर, इन सबको दूर किया जाना चाहिए। चलिए सब, अब हम देखते हैं इनकी पेंशन, प्रेजेंट पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। प्रेजेंट पेंशन इनकी जो कैलकुलेट होती है वो ये प्रेजेंट पेंशन है। पहले हम सबसे पहले मेरा प्रयास रहता है कि हम प्रेजेंट पेंशन यदि हमारी मैच करती है तो मेरी कैलकुलेट होकर आती है 2494 और इनको 2494 ही पेंशन मिल रही है। उसका कारण क्या है कि हमारा यहां हमने 6864 डेज आते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन ये 6856 लेते हैं तो मैंने भी 6856 ही ले लिए हैं, इसलिए ये मैच कर रही है, नहीं वरना हमारी 2 रुपए ज्यादा आती है। तो मैंने यदि 2 रुपए, ये भी एक चैलेंज का विषय है। इनकी 60 मंथ की सैलरी, अब 60 मंथ की पेंशन कितनी होगी, वो होती है 19,047 रुपए और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 23,737 रुपए। देखिए अभी भी कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि आप प्रोरेटा कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि ईपीएफओ ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया। देखिए दोस्तों, फिर मैं कहना चाहता हूं, अभी भी हेड ऑफिस की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। जिस दिन हेड ऑफिस की तरफ से एक सैंपल कैलकुलेशन आ जाएगी, अभी भी वो ऐसा लग रहा है जैसे ईपीएफओ, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक वीडियो में कहा है कि ईपीएफओ जैसे एक बनिए की दुकान चला रहा हो। ईपीएफओ शिमला कहता है ये प्रोरेटा ले लीजिए, ईपीएफओ सेलम कहता है ये प्रोरेटा ले लीजिए, ईपीएफओ गुवाहाटी कहता है 60 महीने ले लीजिए, ईपीएफओ अभी कर्नाटक कहता है कि ये 54 महीने और 6 महीने ले लीजिए। तो मतलब उनको ही पता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बनिए की दुकान है और बनिए की दुकान पे एक फॉर्मूला आप ले जाइए, एक फॉर्मूला आप ले जाइए, एक फॉर्मूला आप ले जाइए और आप आपस में लड़ते रहिए। तो ये स्थिति ईपीएफओ ने बना के रखी है हमारी। चलिए हाँ, इनकी जो इफेक्टिव पेंशन होगी वो ये होगी, क्योंकि हम जब एरियर निकालेंगे तो जो प्रेजेंट पेंशन का एरियर है उसमें से वो घटा देंगे, तो इनका एरियर आता है, इनका एरियर, एरियर चूंकि लंबा बनेगा तो इसलिए इनका एरियर जो है वो, देखिए इनको 18 लाख समथिंग पैसा जमा करना पड़ रहा है और 19,03,595 रुपए इनको एरियर मिल जाएगा, और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 24,42,000 एरियर मिल जाएगा और ऑलरेडी 2,86,810 रुपए एरियर ये ले चुके हैं। तो इस तरह ऑलरेडी इनको इनकी, अब हम इनकी टेबल 8 में चलते हैं जिसमें सारी समरी देखते हैं। समरी देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि देखिए 18,12,622 रुपए इन्हें जमा करना है 60 महीने के हिसाब से, 1,15,055 ये इनके पैसे की ओरिजिनल वैल्यू है जो इन्होंने जमा किया हुआ है विद इंटरेस्ट, ये 6,01,000 हम विद इंटरेस्ट लगाएंगे, 6,01,000 और 18 लाख, ये इस तरह 24 लाख रुपए इनके ईपीएफओ में जमा होंगे जब ये पूरा पैसा जमा कर देंगे, ये मान के चले 24,14,000 रुपए इनके ईपीएफओ में जमा होंगे। और पेंशन का अमाउंट कितना मिल चुका है इनको, 2,86,610 रुपए, 810 रुपए ये पेंशन का अमाउंट मिल चुका है और 19,03,595 रुपए एरियर मिल जाएगा इनको। इस तरह 21,90,000 रुपए इनको
एरियर मिल जाएगा और फिर भी इनके 2,23,000 रुपए बचेंगे, जो 2,23,000 अगले 12 महीने में विद इंटरेस्ट भी और विदाउट इंटरेस्ट भी लगभग 12 महीने, कुछ वो 11 महीने 11 साल 1 महीने में रिकवर होंगे, कुछ 12 लगभग 12 महीने से रिकवर होंगे, यानी 12 साल में रिकवरी हो जाएगी। और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो प्रोरेटा में तो इनको आज ही मार्च 24 में ही इनकी रिकवरी हो चुकी होगी। अब हमें इस रिकवरी को देखने की जरूरत नहीं है नीचे वाली जो टेबल है, क्योंकि ये उन केस में हम देखेंगे जिन केस में ये अमाउंट बड़ा हो, यहां तो रिकवरी क्लियर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो रिकवरी है इनकी, ये लगभग कितने साल में हुई, पूरा 14 सितंबर 14 लगा लीजिए, सितंबर 14 से और 6 साल, वो 14 के भी 3 महीने लगा लीजिए, 6 और 3 साल, ये यानी 9 साल, तो लगभग 9.5-10 साल में विद इंटरेस्ट आपके पैसे की, 10 साल में विद इंटरेस्ट आपके पैसे की रिकवरी हो जाती है। तो ये पेंशन का जो दायरा है ये इनका बिल्कुल ठीक है, लगभग 12 से 13 साल के अंदर यदि रिकवरी होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, हालांकि देश के पेंशनर्स क्या सोचते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि ये यदि रिकवरी इतने दिनों में होती है, 10 साल में होती है, हमारे पैसे की, टोटल पैसे की विद इंटरेस्ट हमारे पैसे की रिकवरी होती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 13 साल, लगभग 13 साल तक भी होती है तब भी कोई आपत्ति नहीं है। तो पेंशन को ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए कि 13 साल तक हमारी रिकवरी हो जाए, क्योंकि जो एवरेज एज आप लेके चलते हैं, और एवरेज एज आपको, एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ दोनों की 71 साल है, तो आपको ऐसे भी लेना चले पड़ेगा कि हस्बैंड की यदि डेथ हो जाती है, 5-6 साल में हस्बैंड की डेथ आ जाती है, तो वाइफ को जो पैसा मिलेगा वो वाइफ के पैसे की भी रिकवरी कितने साल में जाके होगी, देखिए उस, ये डिपेंड करेगा, तो फिर वाइफ को 85 साल तक जीना पड़ेगा तब पैसे की रिकवरी हो पाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ईपीएफओ को भी सोचना चाहिए, और ईपीएफओ को जो थिंक टैंक है उनको आगे आना चाहिए सिर्फ पैसा बचाने की सोचने की बजाय। ईपीएफओ के पास सफिशिएंट पैसा है, मैंने देख लिया ईपीएफओ की जो एक्चुअली की रिपोर्ट है वो झूठी है, किसी भी पॉइंट पैसे दिखाया जा सकता है कि ये झूठी है। तो सलूजा जी के लिए इतना ही, मैं समझता हूं जो सलूजा जी को ये बात समझ में आ गई होगी कि उनको, इनको मैं सलाह देना चाहूंगा, जैसे ही इनको डिमांड लेटर मिले तुरंत आप अपना पैसा जमा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।